अमदावाद मशहूर अभिनेत्री किरण आचार्य और स्मार्ट सरपंच महिपत सिंह चौहान आम आदमी पार्टी में जोड़ाया। प्रदेश प्रवक्ता नीरेश भाई कोटक आज जे हमारी साथे आम आदमी पार्टी में जोड़ाई रहा है एवा युवान आगेवान किरण बेन आचार्य अने आप सौ मीडिया कर्मी आप सौ नु स्वागत छे। अने आप तो जे मेहनत करी रहा छो एने अमे बिरदावीए छे। कोरोना क्राइसिस में अने लॉकडाउन की स्थिति में पण तमे सतत जागृत रहीने सक्रिय रहीने लोकोनी सेवा करी रहा छो एने अमे बिरदावीए छे। साथे साथे अमारी साथे आम आदमी पार्टी में आ कोरोना क्राइसिस में अने लॉकडाउन की स्थिति में केटला युवान आगेवानो जोड़ाया छे अने जोड़ाई रहा छे। एमनो हार्दिक स्वागत छे। गोपाल भाई इटालिया जोड़ाया छे। त्यार पछी हजारो युवानो अमारी साथे जोड़ाया छे। आजे पण किरण बेन आचार्य अने महिपत सिंह चौहान अमारी साथे जोड़ाई रहा छे। आ युवा नेताओ थी अमे अमारी राजनैतिक प्रतिकार शक्ति वधारी रहा छे अने अमने आशा छे के अमे जे आखो जे साम्राज्य छे अमारी सामे अमारे जेमनी सामे लड़वानुं छे एनी सामे अमे लड़वा माटेनी अमे पूरेपूरी ताकात एमना बळथी એમના સહકારથી મેળવી શકીશું। આપ સૌનો ફરી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત, થેન્ક યુ વેરી મચ। આ હવે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા અમારી સાથે છે, એનું સંકલન કરશે, સંચાલન કરશે અને સાથે સાથે આપણે જે દિલ્હીના અમારા પ્રદેશ પ્રભારી છે ગોપાલભાઈજી એમની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ અમે યોજી રહ્યા છે એટલે અમારા જે યુવાન આગેવાનો જોડાઈ રહ્યા છે એમનો સ્વાગત ગોપાલભાઈજી કરશે, એમનું સન્માન કરશે અને બે શબ્દો અમને ગાઈડન્સ આપશે। ગોપાલભાઈજી સભી સાથીઓ નમસ્કાર। ગુજરાતની અંદર જિસ તરહ સે કોરોના મહામારી કે દૌરાન पूरी तरह से रूपाणी जी की सरकार फेल हुई है और न सिर्फ फेल हुई है बल्कि उनके स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जनता की तरफ से प्रश्न उठाने पर सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी के शहर प्रभारी राम खड़ूत पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस कांस्टेबल सुनीता यादव को जिस तरह से जबरदस्ती मानसिक प्रताड़ना की जा रही है, पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना की व्यवस्था चरमराई हुई है। जबकि अगर सरकार सक्रियता के साथ जनता के साथ मिलकर काम करे तो इसका समाधान हो सकता है। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इसको देखा, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन खोलने के बाद जिस तरह से कोरोना की स्थिति काफी तेजी के साथ आगे बढ़ी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जनता के साथ मिलकर के सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के दिन रात काम किया और आज उसका परिणाम है कि दिल्ली जहां पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी आज आठवें पायदान पर है और लगातार यहां पर केस बढ़ रहे हैं। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के प्रभारी होने के नाते गुजरात के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि गुजरात की जनता भी चाहती है कि वहां पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए केजरीवाल मॉडल को वहां पर लागू किया जाए जिससे कि कोरोना की महामारी से गुजरात भी जल्दी मुक्त हो सके। और दूसरा जो इस तरह के मंत्री बना रखे हैं उन पर कार्रवाई किया जाए जो गुंडों के दम पर जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। गुजरात के अंदर कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने पूरी ताकत लगाई कि शायद गुजरात में बदलाव हो जाए, क्योंकि गुजरात के अंदर पिछले 20 साल से जिस तरह से वहां की जनता और खासतौर से अब जिस तरह से खेडूत वहां परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह आंदोलन उनका अलग चल रहा है, आदिवासियों का आंदोलन अलग चल रहा है।